पौधा, ये दिखाइए आप, ये बाजरा का पौधा है। इसको आप लोग क्या कहते हैं? इसको, हाँ, इसको मारवाड़ी में हम हटिया कहते हैं। अच्छा, तो ये क्या काम आता है? ये हमारे बाजरी का छोकरा बनाता है, यानी हाँ इसका ही बनता है। ये पक जाए ना, हाँ, इसका लाटा लेके हम कर देते हैं, बाजरी अलग कर देते हैं। हाँ। अच्छा, तो आगे चलिए कुछ और फसलों के बारे में भी जानकारी देंगे क्या आप? हाँ। देखेंगे हमारे श्रवण कुमार जी जो कृषि बाड़ी के तौर पर हैं, तो यहाँ पर दिखाएंगे श्रवण कुमार जी जो पौधा दिख रहा है, ये किसका पौधा है? ये मूंग का पौधा है। अच्छा, ये क्या काम आता है? इस पर क्या फली आती है या फिर कुछ लगता है इसके? इसमें फली आती है, उसके अंदर एक छोटा सा दाना आता है। हाँ, इसको हम पीस के हम दाल बना सकते हैं। अच्छा, जो दाल बनती है ना, अच्छा मूंग की दाल है ना। आपको ये बता सकता है ये, क्योंकि ये मोठ का पौधा है, इसके अंदर भी ये भी फली लगती है। हाँ। ये मोठ तेल में रंधा जा सकता है। अच्छा अच्छा, जो मोठ की दाल बनती है वो इसी से बनती है? हाँ, इसी से ही बनती है। अच्छा, ये फली है इसकी, आप देख सकते हैं। अच्छा, और ये अच्छा खाके दिखाएंगे, इसको खाते हैं ना? हाँ, खाते अच्छा, भी हैं। खाओ, कैसा लग रहा है? मुझे भी टेस्ट करवाओ इसका, कैसा लगता है। अच्छा, तो यहाँ पर कुछ और फसलें दिखाना चाहेंगे आपको श्रवण कुमार जी? तो ये ककड़ी है, ये किस काम आती है? क्योंकि ये पक जाती है तो इसका रंग पीला हो जाता है, और ये साग में भी काम आ सकती है, और ग्वार की फली भी इसमें डाल सकते हैं आप, और इसमें आप ये भी खा सकते हैं आप, ये भी फली है।